मौसम बहुत अच्छा था ना, तो फिर मेरे को आलस आ गया, उठ ही नहीं पा। हाँ ये लोग बता रहे कि कोई है। हाँ नंदू है कोई है। ए टकले नानी का ये थाई ने नन्ने घूंघरू चंदिका तेरा नारा, रे चंदिका तेरा नारा। हेलो गुड मॉर्निंग, जय श्री राधे कृष्णा फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों में बहुत ही ज़्यादा अच्छे और मज़े में भी होंगे। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम, समथिंग टाइम हो रहा है 7:30 बजे का। आज मुझे बहुत ज़्यादा लेट और आज ना मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सुबह से ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और रात में भी बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी और शायद मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं बूंदाबांदी हुई है, इसलिए बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सुबह से एक नाइट से बहुत ठंडी हवा चल रही है और लेकिन फिर भी अंदर गर्मी लग रही है, बाहर जाके इतनी गर्मी नहीं लग रही है। और बस सुबह हो चुकी है और मैं उठ चुकी हूँ और आज मैं लेट उठी हूँ क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था ना, तो फिर मेरे को आलस आ गया, मैं उठी नहीं वॉक करने के लिए। तो बस उठी हूँ और ब्रश वगैरह किया है और यहाँ अपना लिए दूध वगैरह लेके आई हूँ। तो यहाँ मैं ले आई हूँ दूध, साथ में दो लड्डू हैं और यहाँ पे दूध है। तो ये है मेरा सुबह का नाश्ता। तो सुबह सुबह के लिए मैं दो लड्डू लेके आई हूँ और एक ग्लास दूध लेके आई हूँ। तो ये है मेरा सुबह का सिंपल सा नाश्ता। तो ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ एक ही तरह के नाश्ता करती हूँ, मैं रोज़ डिफरेंट डिफरेंट टाइप का नाश्ता करती हूँ, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, क्योंकि एक ही चीज़ को हमें बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए। लेकिन ये लड्डू तो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि सुबह ही खाओ, शाम को भी खा लो, नाइट में भी खा लो, दोपहर में भी खा लो, मॉर्निंग में खा लो, कभी भी खा सकते हैं। तो अभी ले आई हूँ मैं दो लड्डू और बस दो ही खाऊँगी, उसके बाद मैं पूरे दिन में एक ही नहीं खाऊँगी फिर। तो बस जल्दी से फिर अपना जल्दी से फिर दूध ख़त्म करती हूँ, लड्डू ख़त्म करती हूँ और फिर लगती हूँ अपने काम पे। से अपना ये नाश्ता है उसको ख़त्म करती हूँ, फिर लगूँगी अपने काम में। और आज मुझे कपड़े वॉश करना है क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए, 3-4 दिन के कपड़े हो गए एक साथ। तो मैंने सोचा चलो मशीन लगा देती, तो मैंने मशीन लगा दी है और उसमें कपड़े भी वॉश हो रहे हैं। तो कपड़े तो वॉश होंगे तब तक मेरा नाश्ता वगैरह भी हो जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ की पूजा वगैरह करूँगी, खाने की तैयारी करूँगी। खाने में क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है वो पता नहीं है, जो भी बनाऊँ आप लोगों का जरूर शेयर करूँगी उसकी रेसिपी। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पे डस्टिंग क्लीनिंग हो चुकी है पूरे घर की और यहाँ पे सिर्फ बेडशीट लगाना बाकी था, तो ब्रदर इन लॉ के रूम की बेडशीट मैं लगा के आ चुकी हूँ और यहाँ पे अपने बेडरूम की बेडशीट लगा रही हूँ। और बेडशीट लगाने के बाद फिर मैं जाऊँ नहाने के लिए, पूजा वगैरह करने के लिए, फिर खाना पीना बनाऊँगी। Thank you.
यहाँ मैंने अपने वाले बेडरूम की भी बेडशीट चेंज कर दी है यहाँ पे, और यहाँ मैं बताने वाली थी आपको कि मैंने क्या मंगाया था ऑनलाइन, मैंने किस तरह से डेकोरेट किया है। तो मैंने यहाँ पे ये मंगाए थे ऑनलाइन, ये है, ये फोर थे और ये मैंने इसमें डेकोरेट कर दिया। अभी इस तरह से मैंने इनको लगा दिए, बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं ये। और दूसरा दो वो हैं, और साथ में वो मिरर मैंने आपको बताया था, दो वो हैं और दो और हैं ऐसे जो मैंने अभी लगाए नहीं, मैं लगाऊंगी। तो ये इस तरह से मैंने हॉर्स बिठा रखे हैं इन पर, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो ये था डेकोरेशन का सामान जो मैंने मंगाया था ऑनलाइन, ये और भी था, दो तीन चीज़ें और हैं। कर्टन मैंने अभी चेंज नहीं किए, कर्टन वही लगे हुए हैं, कर्टन मैं बाद में चेंज करूँगी, अभी फ़िलहाल मैं नहीं कर रही हूँ बस। तो यहाँ सारा काम हो चुका है फिनिश, और यहाँ मैं नहा चुकी हूँ और सारा काम हो चुका है, यानी खाना पीना भी बन चुका है, पूजा भी हो चुकी है, और यहाँ पे अब मैं रेडी हो रही हूँ। रेडी मतलब कुछ नहीं हो रहा, आज मैंने हेयर वॉश किए थे, अपना सिंदूर वगैरह लगा रही हूँ, बिंदी वगैरह लगा रही हूँ, लिप केयर लगा रही हूँ। और यहाँ पे यहाँ पे मेरी वीडियो शूट कर रही है नंदू और रावी। तो आज नंदू और रावी घर पर आए हैं दोनों के दोनों मस्ती करने के लिए, और आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो मैंने अभी हेयर वॉश कर लिए हैं, और मैंने इनको ड्राई नहीं किए हैं क्योंकि मुझे मन हो रहा था इनको गीले ही रखूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी वैसे भी है, इसलिए मैं सोच इनको ड्राई रखूँ। मैं नहा के पूजा वगैरह करके हो चुकी हूँ बिल्कुल फ्री, और यहाँ मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी, और आज मेरे पास मस्ती करने के लिए आए हैं नंदू और साथ में है रावी। और आप लोग से ये सोच रहे होंगे कि जब एसी लगी हुई है रूम में तो कूलर क्यों रखा हुआ है, वो इसलिए क्योंकि मेरे को क्या है ना, अभी निमोनिया की शिकायत हो गई थी, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो डॉक्टर ने मुझे एसी में सोने के लिए मना कर दिया था। तो इमरजेंसी में हम लोगों ने क्या है कूलर रख लिया है कि जब रूम ठंडा हो जाता है तो हम एसी को बंद करके कूलर ऑन कर लेते हैं, तो इसलिए मेरे को कूलर एसी में रहने के लिए मना किया है, तो कूलर का यूज़ करती हूँ मैं अपने लिए। और यहाँ ये नंदू मैडम आ चुकी हैं, यहाँ है रावी, वो कैमरे में देख रही है कि कौन है, बाहर कोई नहीं है, तो बाहर कैमरे में मुझे भी कोई दिख तो नहीं रहा रावी कौन है, फिर रावी तो रही थी, कोई है, कोई औरत है, कौन है, तो कोई जा रहा है, मैं भी देख। तो ये देखिए कैमरे चल रहे हैं, और यहाँ ये लोग बता रहे कि कोई है, हाँ नंदू है कोई है, ये रहा कोई, कौन है ये यहाँ पे, कौन है ये, कोई लेडीज है गार्डन में, किचन में से देख के आया तुम लोग, कौन है लेडीज, क्या मतलब क्या, कोई लेडीज है किचन में देख के आना, कौन है किचन की विंडो से देख के आओगे, कौन है गार्डन में, कोई
जा रहे हैं बाहर ही देखने के लिए और मैं जा रही हूँ किचन में देखने के लिए कि कौन है वहाँ। कौन है? कोई नहीं है, तो कोई नहीं दिख रहा। ऐसा लग तो रहा था कि कोई है। हाँ। चलो कोई नहीं, आ जा बगे। चलो आपको क्या करना? तो कोई आंटी थी, आई होंगी किसी काम वगैरह से, तो वो जा चुकी हैं। तो मैं ना थोड़ा सा रेडी हो इसलिए हो चुकी हूँ, थोड़ा सा लिप केयर मैंने ज़्यादा लगा ली है क्योंकि मैं ना वीडियो बनाने वाली हूँ आज। काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों के बाद मैं आज वीडियो शूट करूँगी और काफ़ी दिनों के बाद मेरे ब्लॉग आ रहे हैं, मतलब आ तो रहे हैं लेकिन कभी शादी का, कभी किसी चीज़ का, कभी किसी चीज़ का। और ये देखिए मैंने इयरिंग भी निकाल दिए हैं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, इसलिए मैंने इयरिंग निकाल दिए हैं। बस ये पहनी हुई हूँ बस, और बस बैंगल भी एक एक डाली हुई है, वो बैंगल मैं डालूंगी, अच्छा नहीं रहता एक एक। और ये नंदू मेरे बालों को लगी सहलाने के लिए क्योंकि आज मैंने हेयर वॉश किए हैं। और बस तो मैं जा रही हूँ अपनी वीडियो शूट करने के लिए, काफ़ी सारी मैंने वीडियो नहीं बनाई थी काफ़ी दिनों में, तो मैं अपनी वीडियो बनाऊंगी। ए टकले कहाँ गया था? ए टकले नानी का ये था ना, तो लिया उसने कब का ले जमसी? नहीं ले जमसी नहीं, वहाँ पे आया होगा पारंगी। बल्ले बल्ले ओए हो, बल्ले 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 यहाँ हो रहा है इवनिंग का टाइम और यहाँ दोनों बच्चों की चल रही है मस्ती। ये है नंदू, ये हमारा वीना। तो सब लोग मुझसे पूछते हैं कि नंदू कौन है, तो नंदू मेरी देवरानी, कजन देवरानी है, उनकी डॉटर है, उनकी लड़की है। और ये लोग सब लोग ये भी पूछते हैं कि वीनू कौन है, तो वीनू मेरा भांजा है, मेरे बच्चे जैसा है, मेरा बच्चा ही है एक तरीके से, ये मेरा भांजा है और बच्चा है, ये हमारा वीना है। ये मैं इसको प्यार से वीना बोलती हूँ, सब लोग वीनू बोलते हैं, मैं इसको वीना बोलती हूँ। वैसे इसका नाम प्रथमेश है। ये देखो कैसी मस्ती चल रही है बच्चों की। ओ तेरी, ओ भाई उड़ जाओ उड़ जाओ। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे गिर जाओ, तुम दोनों गिर जाओ। कोई दूसरा डांस करके अच्छा गाना गा के। दुमा दुमा चुन्नी में, चुन्नी में, चुन्नी में परफ्यूम लगावे, चुन्नी में, चुन्नी में, ओ नन्ने 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 घुंघरू चांदी का तेरा नडर, चांदी का तेरा नारा, ओ नन्ने नन्ने घुंघरू चांदी का तेरा नारा, रे चांदी का तेरा नारा, ओ नन्ने नन्ने घुंघरू चांदी का तेरा नारा, रे चांदी का तेरा नारा। चुन्नी में परफ्यूम लगावे, चुन्नी में,